क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। भारत और ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज का अंत भारतीय फैंस के लिए बेहद खुशनुमा रहा। नए साल के 3 हफ्ते में ही भारत ने पहले टेस्ट सीरीज जीती और फिर वनडे सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही मिस्टर फिनिशर MS धोनी ने तो कई कीर्तिमान अपने नाम कर लिए। लगातार दूसरे मैच में उन्होंने बेहद अहम भूमिका निभाते हुए भारत को जीत दिलाई। पहले एडिलेड में और फिर मेलबर्न के मैदान में धोनी ने दिखा दिया कि उनका दम किसी भी यंग प्लेयर से कतई कम नहीं है और उनमें वो सारी क्षमताएं मौजूद हैं जो कि मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज में होनी चाहिए। धोनी ने 3 मैचों में 50 जड़कर और 2 मैचों में फिनिशर की भूमिका अदा कर प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी अपने नाम कर लिया। धोनी जब अपना अवार्ड लेने आए तो काफी खुश नजर आए और एक सवाल के जवाब में तो उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जो कि हर किसी को हैरान कर गया। प्रेजेंटेशन सेरेमनी में धोनी से सवाल पूछा, आपने तो 4th नंबर पर आकर कमाल कर दिया, क्या आप चाहेंगे कि आप आगे भी 4th नंबर पर ही खेलें? सवाल सुनकर धोनी पहले तो मुस्कुरा गए, फिर उन्होंने टीम की तरफ देखा मानो कि वो केदार जाधव और अंबाती रायडू को देख रहे हो। इसके बाद धोनी ने विराट कोहली और रवि शास्त्री की तरफ देखा और इसके बाद धोनी ने अपना जवाब दिया। धोनी ने कहा, देखिए 4th, 5th या 6th नंबर मायने नहीं रखता, मायने रखता है तो बस आपका सिचुएशन को हैंडल करना आना। धोनी ने कहा, हाँ 4th नंबर पर आकर आपको ज्यादा खेलने का मौका मिलता है और आपके पास ओवर और विकेट दोनों का बैकअप रहता है, यानी आप बिना डर के और बिना प्रेशर के खेल सकते हैं। धोनी का ये जवाब सुनकर वहाँ पर हर कोई मुस्कुरा गया क्योंकि धोनी ने बेहद समझदारी के साथ अपनी पसंद की जगह का ऐलान सबके सामने जो कर दिया। और वैसे 4th नंबर पर धोनी का आना टीम के लिहाज से भी काफी अहम साबित हो सकता है क्योंकि मिडिल ऑर्डर में एक ठहराव की जरूरत होती है और धोनी अपनी बैटिंग से ठहराव भी लाना जानते हैं और फतेह करना भी जानते हैं। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।